जब घड़ी इशारा करे रात के 8 का, तब वक्त होता है RBSH की आवाज का। नमस्कार, मैं हूं संजय भारद्वाज और आप देख रहे हैं RBSH की आवाज। हम हाजिर हैं आज की खबरों के साथ। देश के ऊपर अपनी जान न्यौछावर कर देने वाले शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु की आज पुण्यतिथि है। आज ग्वालियर में RBS लाइव इंडिया के डायरेक्टर संजय भारद्वाज ने इनकी प्रतिमाओं के सामने पुष्प अर्पित किए और यह प्रतिज्ञा ली कि जब तक भारत सरकार की तरफ से इन्हें भारत रत्न और शहीद की उपाधि नहीं मिल जाएगी, RBS लाइव इंडिया इस मुद्दे को उठाता रहेगा। RBS लाइव इंडिया पर आज हम खड़े हुए हैं शहादत स्थल पर। मैं आपको बता दूं कि ये महारानी लक्ष्मीबाई की शहादत स्थल है, जहां पर आज काफ़ी युवा एकत्रित हुए हैं और ये सारे युवा एकत्रित हुए हैं देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर देने वाले उन शहीदों की याद करने के लिए। इनका यहां पर आप देख सकते हैं शहीद सुखदेव, शहीद भगत सिंह और शहीद राजगुरु, ये तीन ऐसे जांबाज थे जिन्होंने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। इनके जो जीवन है वो लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है, लेकिन उसके बावजूद सरकारें हैं जो आज तक इनको भारत रत्न नहीं दे पाई हैं, इनको शहीद का दर्जा नहीं दे पाई हैं। सरकारें हैं जो राजनीति के शिकार हुए हैं हमारे जो जाबाज हैं, जो हमारे शहीद हैं, और एक तरफ ऐसे युवा हैं जो इनकी शहादत को नमन करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। ये सारी बातें हम इनसे करेंगे और इनसे पूछेंगे कि इस शहादत के साथ साथ क्या वो सरकार से इस तरह की कोई मांग भी करेंगे कि तब हमारे इन देश के शहीदों को सही स्थान मिल पाएगा। देश के युवाओं के अंदर इनका नाम काफ़ी स्वर्ण अक्षरों से लिखा हुआ है, लेकिन सरकारें सिर्फ राजनीति करती हैं, देश के लिए काम करने वालों की इज्जत और कद्र नहीं करती। हमारे साथ में इस संगठन को बनाने वाले हैं, हम इनसे बात करते हैं। अपना नाम बताइए। मेरा नाम कृष्णा कुपवाज है, युवा क्रांति संगठन का जिला अध्यक्ष। आपने जैसे कि युवा क्रांति संगठन बनाया हुआ है, ये शहीदों के लिए काम करता है? हाँ बिल्कुल सही, शहीदों को 5 साल के शहीदों के लिए हम काम का लगातार करते जा रहे हैं और हमारी सरकार से हमेशा मांग यही रही है कि शहीद आजम भगत सिंह को शहीद कर, शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को शहीद कर दिया जाए। हमने सरकार को ज्ञापन दिया, मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया, भले सरकार किसी भी को, हम लगातार इसको ज्ञापन देते रहेंगे जब तक हम अपनी मांग को पूर्ण नहीं करेंगे। भले सरकार, कितने साल हो गए आपको इस संगठन को बनाए हुए? 7 साल से ऊपर हो गए हम लोगों को संगठन। 7 साल से आप लोगों ने मांग पहले साल ही रख दी थी या 7 साल के बाद आपने अभी मांग? पहले भी रखी थी हमने, अब भी रखें। अब सरकार किसी की भी आए, हम इस मांग को जब तक पूर्ण करेंगे जब तक। आपने राज्य सरकार से मांग रखी है केंद्र सरकार से? हमने केंद्र सरकार से भी ज्ञापन दिया था, हमने केंद्र सरकार को, राज्यपाल को भी हमने ज्ञापन दिया था युवा क्रांति संगठन के माध्यम से। और अभी हम जो सरकार कांग्रेस की है, तो हम मुख्यमंत्री कमलनाथ जी को भी अब ज्ञापन देंगे और मांग करेंगे शहीद आजम को शहीद का दर्जा प्राप्त हो, शहीद आजम का दर्जा प्राप्त हो। हमने देखा है कि नोटों पर महात्मा गांधी की तस्वीर बरसों से, बचपन से हम देखते चले आ रहे हैं, और भी काफ़ी लोग हैं जिन्होंने अपना जीवन देश को समर्पित किया, न्यौछावर किया। क्या आपको कभी इसको देख करके एक गुस्सा आता है कि हमारे शहीद भगत सिंह हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, चंद्रशेखर आज़ाद हैं, इनकी तस्वीरें कभी नोटों पर नहीं चलती, इनके नाम पर कभी कोई योजनाएं नहीं चलती? क्या नहीं लगता है कि अभी भी भारत में ब्रिटिश शासन जैसी व्यवस्था चल रही है? जो सरकार है वो गलत तरीके से सोच रही है। आप देख रहे हो सरकार शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी को एक आतंकवादी तौर पर घोषित करने की सोचें। जब तक हमारे लगातार हम प्रयास करते हैं, सरकार से यही मांग करें कि शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को शहीद का दर्जा प्राप्त हो। और जिस तरह से आप महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता जी को नोटों पर छाप रहे हैं, उसी तरह शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी का भी नोटों पर। इतना बड़ा संगठन आप लोगों ने बनाया है, कितनी मेहनत लगी इन युवाओं को साथ में जोड़ने के लिए, क्या क्या समझाना? देखिए, देश में एक प्लेटफॉर्म बनाने की जरूरत पड़ रही है और वो एक प्लेटफॉर्म हमने ग्वालियर से शुरू किया है जिसका नाम है युवा क्रांति। और युवा क्रांति के तहत हम लोग 7 वर्ष से हर वर्ष साल में 2-3 कार्यक्रम करते हैं, जिसमें पिछले वर्ष उनका जन्मदिन भी मनाया गया, जिसमें भगत सिंह जी के जो भतीजे हैं संधु जी, वो भी यहाँ ग्वालियर पहुँचे थे। और यहाँ ग्वालियर के काफ़ी हजारों युवा हमको इस ऐसे कार्यक्रम में मदद करते हैं, आते हैं। आज चूँकि होली के त्यौहार की वजह से थोड़ा सा संख्या कम है, बाकी हमारे युवाओं में काफ़ी जोश है। और ये भगत सिंह जी, राजगुरु, सुखदेव जी को याद करते हुए देश में एक क्रांति लाना चाहते हैं, देश की रक्षा के लिए एक राष्ट्रभक्ति और देश में एक अच्छा मैसेज देना चाहते हैं, जिससे हमारे देश में वीर सपूत पैदा हो, कायर पैदा ना हो। आजकल की जो राजनीति है जिसने हमारे देश को भ्रष्टाचार
और पैसा कमाने की तरफ उनका ध्यान बांट दिया है, देश की रक्षा के लिए नहीं है। अब मैं देश की जनता से और युवाओं से निवेदन करूंगा कि आप देश में देश की रक्षा के लिए और राष्ट्रभक्ति की ओर आगे बढ़ें। हमारे जो पड़ोसी देश हैं जो हमारे ऊपर काफ़ी आतंकवाद फैला रहे हैं, हमारे सैनिकों के साथ में वारदात करते हैं, धोखा देते हैं, उन गद्दारों को सबक सिखाने के लिए देश का युवा अब तैयार हो चुका है और हमारी एक सेना तैयार होने वाली है जिसका नाम है युवा क्रांति, और एक अच्छा मैसेज देंगे जिससे देश की रक्षा हो, स्वाभिमान हम स्वाभिमान बनते रहें। धन्यवाद। जैसा कि है ना, आज भी हम देख रहे हैं जो देश के लिए शहीद हो जाते हैं, चाहे वो हमारे जवान हों चाहे वो हमारे सिपाही हों, उनको वो स्थान नहीं मिलता है, वो इज्जत शोहरत भी नहीं मिलती है। सरकारी कागजों में बता रहा हूँ मैं आपको, जनता के दिल में तो बहुत है लेकिन सरकारी कागजों में वो नहीं मिलती है, और एक इनाम के तौर पर जो राशि भी दी जाती है वो उनके क्षतिपूर्ति के लिए रहती है लेकिन वो भी कई बार उनको नहीं मिल पाती है। ऐसे में युवा क्रांति जो संगठन आपने बनाया है, क्या शहीदों के उन परिवारों से भी मिलता है जो शहीद हुए हैं और उनको अभी तक मुआवजा नहीं मिला या उनको कोई सहायता नहीं मिली? देखिए, वर्तमान परिदृश्य में जैसे कि हम समझ रहे हैं कि पुलवामा के शहीदों की जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये कहा गया कि वो बॉर्डर पे नहीं थे जहां वो शहीद हुए हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो ऑन ड्यूटी थी और कहीं भी ट्रैवल कर रहे थे ना, देश के लिए ही कार्य कर रहे थे। जब वो ड्यूटी पे थे तो उन्हें बिल्कुल शहीद मानना चाहिए। ठीक उसी प्रकार शहीद आजम की जब हम बात करेंगे, वो देश हित के लिए जिन्होंने कार्य किया है और जो उसी परिप्रेक्ष्य में जिन्होंने फांसी स्वीकार करी, तो कहीं ना कहीं उनको भी शहीद का दर्जा देना बिल्कुल अनिवार्य है। और आने वाले समय में जैसे कि हम समझ रहे हैं कि भारत देश जो युवाओं का देश कहला रहा है और जहां युवाओं की संख्या सर्वाधिक है आज के समय में, और युवाओं को जागरूक करने के लिए युवा क्रांति एक प्लेटफॉर्म है, और आने वाले समय में और भी ऐसे कई प्लेटफॉर्म तैयार होने चाहिए और कहीं ना कहीं जागरूकता फैलाने की अत्यंत आवश्यकता है कि जैसे सभी देश के युवा अपने समाज के प्रति उत्तरदायित्व अपना निभाएं, अपने देश के प्रति जो उत्तरदायित्व उनको वो निभाएं, कहीं ना कहीं पारिवारिक कार्यों में और अपनी रोजी रोटी में ना फंसे। बहुत अच्छी तो बात, क्रांति की तरह हमें और भी आगे और भी आगे ऐसे कई कार्यक्रम करने की जरूरत है, कई ऐसे संगठनों की आवश्यकता है जिससे कि हमारा देश का उत्थान हो सके। एक ही नहीं, बहुत सारे संगठनों की आवश्यकता है, और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं अलग अलग जगह से, यहाँ पर ग्वालियर से आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशीष। आशीष जी, कब जुड़े थे आप इस संगठन से? मैं संगठन से लगभग 7 सालों से जुड़ा हूँ। 7 सालों से? तो इस संगठन में जो काम होते हैं, आपको लगता है कि देशभक्ति की भावना युवाओं को जगाने के लिए आपका संगठन जो काम कर रहा है, सरकारों को जगाने की भी बहुत ज़रूरत है? हम पूरी अपनी ताकत से ग्वालियर से ये संगठन जो हमने चालू किया है उसमें हम अपनी पूरी ताकत से सरकार को जगाने का भी काम कर रहे हैं, हम लोग युवाओं को जगाने का भी काम कर रहे हैं। हमारा एक संगठन युवा क्रांति संगठन, ये नाम मात्र के लिए नहीं है कि हमको एक जमीनी लेवल पर काम, हम लोग उस लेवल पर भी काम कर रहे हैं। हम अपने नेताओं से भी डिमांड रखते हैं कि जो हमारे भगत सिंह जी हैं, वीर सपूत शहीद है आजम, उनको अभी तक शहीद का दर्जा नहीं दिया गया। हमारे पुलवामा में शहीद हो जाते हैं उनको भी शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता। इस तरह की नपुंसकतावादी सरकारें इस हिंदुस्तान में नहीं चलनी चाहिए, चाहे वो कांग्रेस की हो, किसी भी तरह की पार्टियाँ हों। ये पार्टियाँ मात्र सैनिकों के ऊपर अपनी राजनीति कर रही है, राजनीतिक रोटियाँ सेक रही हैं, क्योंकि ये सब गलत है। हम लोग डिमांड उठाते रहे हैं और डिमांड उठाते रहेंगे। इस तरह की शहीदों के साथ राजनीतिक खिलवाड़ होना बंद करें सरकारें, बंद करें सरकारें। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो एक पुण्यतिथि मनाई जा रही है, जो शहादत जिन्होंने दी है देश को, उनको याद किया जा रहा है, उसके लिए बहुत सारे जो लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, निश्चित तौर पर जितना आदर जितना सम्मान उनके दिल में इन शहीदों के लिए है, उतना ही गुस्सा इस सरकार के लिए भी है। सरकार चाहे कांग्रेस की रही हो चाहे भाजपा की रही हो, लेकिन इन देशभक्तों को अभी तक किसी ने उचित सम्मान नहीं दिया है। कुछ रह गया है शायद, ये कहना चाहते हैं? है देश से प्रेम, है देश से प्रेम तो हर पल यह कहना चाहिए, और मैं रहूं या ना रहूं पर भारत रहना चाहिए। क्या बात है, बिल्कुल। हम जिएंगे और मरेंगे है वतन तेरे, दिल दिया है जा भी देंगे है वतन तेरे। शहादत स्थल पर राजगुरु अमर रहे, राजगुरु भगत सिंह। सभी लोग बैठ जाइए, दो मिनट के लिए और बैठ जाइए। याद किया जा रहा है और ये कार्यक्रम सभी लोग बैठे, सभी साथी बैठे। ग्वालियर से अपने सहयोगी रचित दुबे के साथ मैं संजय भारद्वाज, RBS लाइव इंडिया। आज की खबरों में बस इतना ही।
हम फिर मिलेंगे आपसे अगले बुलेटिन में। आप देखते रहिए RBS न्यूज, सच की आवाज। जय हिंद।